हे गाइस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने पबजी के पिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और लैग कैसे कम कर सकते हैं। ये वीडियो वेरी करती है मतलब हर यूज़र पे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं गेम में आ चुका हूँ और मैं इस वक्त एक बार फिर से कनेक्टेड हूँ। और अभी हम पहले अपने पिंग चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि मेरे पिंग किसी भी सर्वर में 290 से कम नहीं आ रहे। ये इशू मोस्टली लोगों के साथ चल रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसके बाद आप चले जाएं, गेम बंद करके आप अपनी सेटिंग्स में जाएं। ठीक है, सारे रिसेंट ऐप्स क्लियर करें, सेटिंग में जाएं, वहाँ पर आपको मिलेगा ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस। ऐप्स खोलें, वहाँ पर जाकर आप डाटा यूजेज कंट्रोल खोलें। पहले से सब कुछ अलाउ हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं सब कुछ अलाउ ऑलरेडी। हम फॉरबिड ऑल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे फॉरबिडन ऑल कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे पबजी पे। पबजी पे जाके आपने सिर्फ और सिर्फ पबजी को अलाउ कर दिया। इससे ये होगा कि आपके जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं वो आपका डाटा यूज़ नहीं करेंगे। दैट सिंपल। और आसानी होगी, मतलब सारे के सारा डाटा कंसंट्रेटेड होगा पबजी की तरफ। मतलब आपको दूसरे ऐप्स के नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आएंगे। उसके बाद आप जाएँ आपके अबाउट फोन में, उधर बिल्ड नंबर पे 3 बार टैप करें, आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम में जाएं। सिस्टम में जाकर आप अपने डेवलपर ऑप्शंस में जाएं। डेवलपर ऑप्शंस में ऑलमोस्ट एंड पे, तकरीबन तकरीबन एंड पे आपको मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज़। और उसके अलावा बैकग्राउंड एप्स लिमिट आप डोंट कीप एक्टिविटीज़ पे कर दें। उसकी वजह से मतलब आप कोई भी बैकग्राउंड ऐप काम नहीं करेगा। और उसमें स्टैंडर्ड लिमिट पे आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर दें। सही है कि कोई भी ऐप आपके बैकग्राउंड में काम नहीं करेगा और आपका प्रोसेसर टोटली फ्री होगा और टोटली कंसंट्रेटेड होगा पबजी की तरफ। इससे आपका थोड़ा लैग इम्प्रूवमेंट होगा। आप ये डिवेलपर ऑप्शन एज अ डाटा यूजर कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप पिंग देख लें मेरे, ठीक है, कितनी इम्प्रूवमेंट है, 290 से 112। और अब देख ले, मैं अभी भी उसी सेम वाईफाई पे कनेक्टेड हूँ। ठीक है, और पिंग देख लें, सडन ऑफ 71। बट ये गेम के अंदर 71 नहीं होते, तो मैं आपको गेम के अंदर जाके दिखा देता हूँ। ट्रेनिंग में तो डायरेक्टली स्किप करते हैं, चलो ट्रेनिंग की तरफ। यहाँ पर आप देख लें, अभी मेरे पिंग 148 के अराउंड आ रहे हैं। ठीक है, प्लेएबल पिंग्स हैं, बेस्ट हैं मतलब नॉर्मली। और दूसरी बात यह कि अभी आप जैसे कि अभी मैंने वो बैकग्राउंड लिमिट सेट कर दी थी कि कोई बैकग्राउंड ऐप नहीं काम करेगा, तो और जो डोंट कीप एक्टिविटी है उससे ये होगा कि जैसे ही आप एक ऐप को बैकग्राउंड में ला लेके जाएंगे वो फ़ौरन टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको उस ऐप को बिगनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक पबजी। ठीक है, अगर आप इसको बैकग्राउंड में लेके जाएंगे दोबारा जब खोलेंगे तो ये शुरू से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी आप मेरी सेटिंग देख सकते हैं, टोटली स्मूथ पे है, मतलब HD अवेलेबल है, लेकिन आपने स्मूथ पे रखना है। FPS आपने एक्सट्रीम रखनी है, आपकी गेम अच्छी चलेगी। ग्राफिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप अच्छी गेम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, स्मूथ प्लेबल हैं, यू डोंट नीड एनी हाई लेवल ग्राफिक्स प्ले। ओके, और अब मैं आपको वो डेमो दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप इसको बैकग्राउंड में लेके जाओगे ना, फ़ौरन टर्मिनेट हो जाएगा ऐप। ठीक है, फिर आपका दोबारा बिगनिंग से स्टार्ट होगा, मतलब इन मिडल कि आपको कोई कॉल आ गया तो आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, आपकी ये गेम टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाया, मैं बैकग्राउंड में जैसे ही ले गया हूँ ना, दोबारा ये शुरू से स्टार्ट होगी, देख लें आप। अब इसका ये तरीका है कि आप बैकग्राउंड प्रोसेस वन पे कर दें और डोंट कीप एक्टिविटीज़ आप बंद कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पबजी खेलना चाहते हैं ना, मतलब आप बेहतर गेम चाहते हैं, तो आप ये सब ऑन रख के खेल सकते हैं, आपकी गेम बहुत परफेक्ट चलेगी। और जैसे कि मैंने डोंट कीप एक्टिविटीज़ को ऑफ कर दिया, और इसके बाद जब भी मैं ये गेम मतलब रिसेंट से लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि ये बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे मैं छोड़ूंगा वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, देखें मैं छोड़ के दोबारा सेम वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी ये सिंपल तरीका है। और उसके बाद आप ये एक और तरीका है कि आपके मतलब जितने भी एप्स वीडियोस सब होते हैं ना, वो सब कैश मेमोरी लेते हैं, और ये आल्सो नॉन एज कैशे। ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए आप ये सीसी क्लीनर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्विक क्लीन पे जाओ। ठीक है, जैसे ये पूरा हो जाए उसके बाद आपने जाना है हिडन कैश, ठीक है, और विजिबल कैश। दोनों कैश मेमोरीज आपने क्लियर कर देनी है। ठीक है, तो हमने उसको क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैश मेमोरी से तो कैश मेमोरी का ये होता है कि मतलब ये आपके सिस्टम की क्लोजेस्ट होती है, हर ऐप की कैश मेमोरी होती है। ठीक है, और पबजी को काफ़ी स्पेस चाहिए होती है, तो यूजली आप इसको क्लियर कर दें तो बेहतर है, आपकी गेम में और इम्प्रूवमेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि आप वापस आपके ऐप्स के नोटिफिकेशन हैं, तो दोबारा जाके डाटा यूजेज कंट्रोल को अलाउ ऑल पे कर देंगे, तो आपके जितने भी ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, और वो सबको डाटा परमिशन अलाउ हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगी है, मतलब ये काम कर रही है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।